वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साड़ी वार्तालाप दा विषय है कौम दा भविख सवारन दी लोड़ है। भैन जी, संगमरमर नू जदो तो सिखा ने हाथ पाया है, मकराने दे मालकां दी तां बल्ले बल्ले हो गई है। जिथे देखो गुरुद्वारियां दी उसारी है, किन्ना पैसा कौम दा उजाड़ी जा रहे ने, किन्निया वड्डिया वड्डिया बिल्डिंगा बना रहे ने, कि रहे रब दा ना। मैं भी अज सवेरे अखबार विच पढ़िया सी कि नवदीप सिंह नीट दी परीक्षा विचों 10 लाख बच्चियां विचों पहले नंबर ते आया है, ते अनमोल शेर सिंह IAS दे पेपर विच दोवां ने सिख कौम दी शान सारे देश विच वधाई है। ले ए तुहानू की कह रहे ने ते तुसी की जवाब दे रहे हो? आहो आहो, मैं भी इन्हां दी गल दा जवाब दे रही हां। कौम दा किन्ना ज्यादा पैसा गुरुद्वारियां दी बेलोड़ी उसारी उत्ते खर्च करन नालो, ए पैसा उन्हां बच्चियां ते खर्च कीता जावे जो पढ़ना चाहुंदे ने, ते नवदीप सिंह ते शेर सिंह वांगू अग्गे वधना चाहुंदे ने, पर पैसे दी कमी होण कारण ओ अग्गे नहीं वध रहे। जे नौजवान उच्ची सिक्ख्या प्राप्त करनगे तां कौम दी तरक्की बहुत तेजी नाल होवेगी। वैसे भी की फायदा इन्ना महंगा पत्थर ला के उत्ते गलीचे तां विछाउणे ने, एही पैसा लोड़वंद जां बच्चियां नूं दित्ता जावे तां जो ओह तरक्की कर सकन। लै पैणे, तुसी वी भोलियां गल्लां ही करदे हो। बच्चियां ने जां लोड़वंदा ने तां इक दिन मारी जाणा, पर इह संगमरमर तां हमेशा ही रहेगा। तुहाडे वाल चिट्टे हो गए पर अकल अजे तक नहीं आई। अकल तां सानूं बथेरी है, पर मैनूं इक गल दा जवाब दो। संगमरमर दी उमर 250 तो 300 साल हुंदी है, पर कार सेवा दे नाम ते हर 5-10 साल बाद उसनूं हटा के नवा पत्थर लगा दिता जांदा है। एह संगत वल्लों पेट कीती होई माया दा इक वड्डा उजाड़ है। गुरु घर सोना बनाउणा बहुत जरूरी है ते होना भी चाहीदा है, पर जे एह काम सिख कौम नूं छिक्के टंग के कीता जांदा है तां गुरु साहिब भी खुश नहीं होणगे। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गुरुद्वारियां दी बेलोड़ी उसारी वड्डी पद्धर ते हो रही है। कौम दा किन्ना सरमाया ते ताकत इस कारज विच ज्यादा रुचित हो चुके ने। गुरु नानक पातशाह ने तां पहला प्रचारक दौरे कीते ते सिख बनाए, फिर धर्मशाला कायम कीती, पर अज पहला बिल्डिंगा बनाओ प्रचार तां हुंदा ही रहेगा। सिख कौम दे अनमोल हीरे नौजवान ने, इन्ना नौजवानां दी सांभली कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। बस होर सुंदर इमारतां, होर गुरुद्वारे, होर माया दी अपील ते महान कीर्तन दरबार। भैन जी, कौम तां रसातल विच गर्क गई है। अज 80% सिख केस कटा चुके ने, दस्तारा बननियां भुल चुके ने, नशा विच लाके अपना सारा जीवन बर्बाद कर चुके ने। मैनूं तां डर है जे यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी सिखी तो मुनकरी ना हो जावे। जे नौजवान गुरुद्वारे आनो हट गए तो संगमरमर लगे गुरुद्वारे किस काम? भैन जी, असल विच प्रबंधक अपने औहदे तो सामभ के बैठ गए ने, पर जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। अज इंग्लैंड, कनेडा, अमरीका वर्गे देशां विच सरकारां वल्लों सिखां नूं कोई पाबंदी नहीं। दस्तार, किरपान, कड़ा सजा सकदे ने, दाढ़ी, केस जिवें चाहुण रख सकदे ने। पुलिस अते फौजां वल्लों भी साबत सूरत सिखां नूं परती होण दी परवानगी मिली हुई है। बस कमजोरी तां अपनी ही है। बिल्कुल सही किया, कमी तां साडी अपनी ही है, पर असीं सुधार भी तां कर ही सकदे हां। प्रबंधकां नूं चाहीदा है नौजवानां नूं सिक्खी नाल जोड़न लई नवें उसारू काम करन, नवें नवें ढंग तरीके वरत के बच्चियां नूं गुरबाणी, इतिहास ते रैत मर्यादा दी जानकारी दित्ती जावे, उनां वास्ते समां कढ़िया जावे। मैं तां कहनी हां अज मीडिया दा जमाना है, नौजवान बच्चे नवें नवें ढंग तरीके वरत के गुरुद्वारां दा प्रबंध सांभ सकदे ने। जो उन्हां नूं मौका मिले तां ते प्रबंधक आप उन्हां दे पिछों सही ढंग नाल अगवाई करन। हां जी हां जी, इस तरह नौजवानां दा ध्यान गलत पासे भी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हां दे सिर ते जिम्मेवारी होएगी। वैसे भी प्रबंधकां तों बाद कोई तां जिम्मेवारी संभालेगा ही।
तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हुण हड़ दा ही उदाहरण लै लो, जिवें हड़ दा पानी तबाही मचा दिंदा है, पर जे उसनूं सही ढंग नाल बन मार लिया जावे, नहरां कढ़ियां जाण, डैमां बणाईआं जाण, तां उही पानी मनुखता लई अणगिनत कारज सवारदा है। लै भैणे, तुहानूं की लगदा है कि प्रबंधक अपनी सीट इन्नी छेती छड्ड देणगे? जिन्हां दी इजाजत तो बिना कोई स्टेज ते भी नहीं बोल सकदा। साडे प्रबंधक जिंदाबाद सी, जिंदाबाद ने ते जिंदाबाद ही रहणगे। जदों भी किसी कमेटी दा गठन होया है, किसी विले नूं छड्ड के बाकियां ने कुछ नहीं संभालिया कौम दा, बस कौम ते पैसे खर्च कीते ने। पंथक मल्लां घट मारियां ने ते पंथक माया ज्यादा उजाड़ी है। पर हुण प्रबंधकां नूं चाहीदा है कि नौजवानां नूं सिक्खी नाल जोड़न लई नवें उसारू काम करन, उहनां दीआं जरूरतां नूं वेख के परख के माया खर्च करन। गुरुद्वारे दे मूंह मत्थे बहुत सवारे जा चुके ने, पर हुण लोड़ है कौम दा भविख सवारण दी। सचमुच जे हर सिख गुरबाणी नाल घिस के संगमरमर वर्गा सोहणा ते गुरबाणी दी पट्ठी विच टप के सोने वर्गा वडमुला बन जावे, तां इहनां दुनियावी पदार्थां दी होंद आपे ही निगुणी जापेगी। तुसी ठीक कह रहे हो, पर फैसला हुण संगत करेगी कि माया नाल जुड़ना है जां शब्द गुरु नाल। असल विच माया इक साधन है गुरु प्रति अपना सत्कार दर्शाउण दा। गुरु जी ने हदायत कीती सी कि सिख इंसानियत दे भले लई दसवंत देवेगा। बिल्कुल ठीक, गुरु साहिबाना ने दसवंत दी सही वरतों करके दसवंत विचों किले बनवाए, फौजां रखियां, खूह लगवाए, भुखियाली लंगर चलवाए, इत्थों तक धर्मशाला नूं विद्या केंद्र तक बना दिता, जिथों जीवन दे हर पहलू दी सुचज्जी सिखलाई मिलदी रहे। हांजी हांजी, गुरु साहिब ने दसवंत वाली अमानत विच ख्यानत नहीं होण दित्ती। घट गिणती ते घट साधन होण दे बावजूद भी सिख कौम बहुत तेजी नाल अगे वधी सी। पर अज तां धर्म प्रचार वल्लों सिख मुखी कौम नूं मझधार विच डोबण लग पे ने। श्रद्धा सहित दित्ता पैसा जे पंथ दी चढ़दी कला लई वरत्या जांदा, तां पंथ दी अज वाली दुर्दशा कदे ना हुंदी। जे प्रबंधक 50% भी ईमानदारी नाल पंथक कारजां ते पैसा खर्चदे, तां साडी चढ़दी कला ही होणी सी। जे कथावाचक प्रचारक 50% भी सच बोलदे, तां सुत्ते पंथ ने जरूर जाग पैणा सी। पर दुख की गल तो यह है, पंजाब जो गुरुआं दे नाम तो जिंदा सी, उत्थों गुरुआं दा सिद्धांत ही अलोप हो गया है। जे सचमुच ही साडे अंदर कोई कौमी सोच है, तो सानू अपना पूरा जोर उन्हां बच्चों नूं उच्ची सिक्ख्या वल प्रेरित करन विच देना चाहिदा है। ऐह जे ट्रस्ट ते फंड स्थापित करने चाहिदे हन, जो बच्चों नूं उच्ची सिक्ख्या दे नाल नाल गुरमत नाल भी जोड़न विच सफल हो सकन। आर्थिक पक्खों कमजोर सिक्खां दे बच्चों नूं भी विद्या देण दा उपराला होना जरूरी है, तां कि ओह भी IAS ते IPS वर्गी उच्ची पदवियां ते बैठन विच सफल हो सकन। हुण कौम दे आगुआं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां नूं अपनी सोच बदलन दी लोड़ है। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਪਸੀ ਪਾਤੋ ਤਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਹਾਦਰੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।